कि क्या क्या बताऊं तुम्हें कि किन किन राहों से गुजरा हूं मैं, कि क्या बताऊं तुम्हें किन किन राहों से गुजरा हूं मैं, जो सोचा ना था कभी वो सब कर गुजरा हूं मैं। शुक्रिया। अभी देखा था कुछ लोग ऊपर स्मोकिंग कर रहे थे, मोस्टली उन लोगों पे कोई नहीं लिखता है, सारे दिल जले। तो चलो नहीं, उनकी क्या कैफियत होती है, हालांकि मैं नॉन स्मोकर हूँ, बट मेरे हिसाब से जो उनकी कैफियत होती है वो मैंने समझने की कोशिश की है, तो उसके लिए सिगरेट के धुएं में जलती देखी है मैंने कई सांसें अपनी, सिगरेट के धुएं में देखी है जलती कई सांसें मैंने अपनी, मैं कश खींच कर उसके सिरे पर जलती आग को बढ़ाता और सीने की बेचैनी की आग को बुझाने की कोशिश करता, कि मैं कश खींच कर उसके सिरे पर जलती आग को बढ़ाता और सीने की बेचैनी की आग को बुझाने की कोशिश करता हूँ, धुआं खींच कर वापस निकालते वक्त कुछ तड़प भी फूंक देना चाहता हूँ, जो कुछ देर के लिए चली भी जाती है पर फिर थोड़ी देर बाद फिर लौट आती है, मैं फिर से नई सिगरेट जला लेता हूँ, इस बार दूसरी बेचैनी को सीने से बाहर निकालना है, चाहे कुछ देर ही सही, सिगरेट के धुएं में जलती देखी है कई सांसें मैंने। और अब हमारे अमित भाई के लिए, जो रातों में जागते हैं अक्सर, नहीं एक्चुअली ये हंसी की बात नहीं है, सच में मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, 3-3, 4-4 बजे सोया करता था, नींद नहीं आती। लेकिन पता है, इंसान है ना, रात में सबसे अपने खुद के क्लोज होता है, सबसे ज़्यादा क्लोज होता है वो समझ सकता है अपने वजूद को, उसी के बारे में लिखने की कोशिश करी, थोड़ा सा फिलोसोफी टाइप है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से भी निकले, लेकिन समझदार समझ जाएंगे। तो दिन में कोई और बनकर रहता हूँ, दिन में कोई और बनकर रहता हूँ, पर रातों में मैं जी लेता हूँ, इस दुनिया की निगाह से खुद को छुपा रखा है, खुद में किसी और को मयस्सर किया हुआ है, मुझ में जो मैं है उसे दुनिया देखना नहीं चाहती, कहीं पता चल गया मेरे होने का तो कत्ल ना कर दे मुझे, बस इसी डर से दिन में कोई और बनकर रहता हूँ, पर रातों में मैं जी लेता हूँ, मैं रात में हंसता हूँ, रोता हूँ, जागता हूँ, सोता हूँ, और हाँ, पागलपन भी करता हूँ, पर ये रात प्यारी है बहुत, क्योंकि इसमें मैं होता हूँ। शुक्रिया। और फिर अगली सुबह अपने कमरे से बाहर निकलने से पहले खुद को उस पिटारे में रख देता हूँ, खुद को उसी पिटारे में रख देता हूँ, लगाकर उस पिटारे पर ताला, उसकी चाबी अपनी दिल की ताक में रख देता हूँ, और फिर उस पिटारे को एक गंदे से कपड़े से ढककर घर के कबाड़ में रख देता हूँ, इस डर से कि कोई चुरा ना ले जाए उसे, हालांकि ये जानता हूँ कि अगर कोई चुरा भी ले गया मेरे उस पिटारे को तो उसके लिए महज वो तो एक कबाड़ ही है, पर अगर वो ले जाके फेंक दे उसे कहीं तो मैं तो सदा के लिए खो ही जाऊँगा, इस डर से सारा दिन सहमा हुआ भी रहता हूँ, और आकर शाम को खुद से खुद मिलता हूँ और चैन की सांस लेता हूँ, शुरू में बहुत मुश्किल था यूँ खुद से दूर होकर जीना, पर अब रात को खुद से मिलने की खुशी में सारा दिन में काट लेता हूँ, दिन में कोई और होता हूँ पर रातों में मैं जी लेता हूँ। शुक्रिया। दिन भर पिटारे में होता हूँ पर रातों में मैं जी लेता हूँ। शुक्रिया। अभी वैलेंटाइन्स वीक चल रहा है, तो अलग अलग डेज, आज कौन सा है, चॉकलेट डे, रोज डे गया था, तो एक गुलाब के ऊपर, गुलाब का बहुत ही इम्पोर्टेंस है मोहब्बत करने वालों की ज़िंदगी में, चलिए करते हैं। ये इसका टाइटल है, किताब में रखा वो गुलाब। शायरों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेन, डायरी और गुलाब, इनका कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही होता है। तो याद है अपनी मोहब्बत का इजहार पहली बार करते हुए मैंने तुझे एक लाल गुलाब दिया था, उस वक्त मेरे मुँह से तो लफ्ज़ ना निकल सके, पर मेरे हाथ में वो फूल देखकर ही तू समझ गई थी, और तूने वो फूल और मेरी मोहब्बत दोनों को कबूल किया था। कल रात को मेरे ख्वाब में आया था वो गुलाब, ख्वाब में उसने बात की थी मुझसे, मैं तो पहचान भी नहीं पाया था उसे, जब तक उसने खुद ना बताया, मुरझा कर काफ़ी सूख चुका था, आवाज़ उसकी ऐसी लग रही थी जैसे बूढ़ा हो कोई, मैंने जब पहचानने से इनकार कर दिया तो बोला, तुम इंसान भी कमाल होते हो, एक रिश्ता बनाने और दिल की बात बताने के लिए भी एक फूल को कत्ल करते हो।
कि तुम इंसान भी कमाल होते हो, एक रिश्ता बनाने और दिल की बात बताने के लिए भी एक फूल को कत्ल करते हो। खैर, हम तो मखलूक ही ऐसी है जो मोहब्बत के नाम पर जान गंवाना भी खुश नसीबी समझते हैं अपनी। और हंसते हंसते जान गंवा कर अपनी डाली से तोड़े जाने के बाद भी हंसते रहते हैं। शुरुआत में तो तुम भी बड़े प्यार से रखते हो, पर जैसे ही हम सूखने लगते हैं हमें रख देते हो किसी किताब या डायरी में, जहां बस तन्हा पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करना गलत है, पर कभी तो भूले बिसरे फिर से निकाल कर हमें एक बार छू सकते हो। जिनकी शहादत पर तामीर है मोहब्बत के घर तुम्हारे, जिनकी शहादत पे तामीर है मोहब्बत के घर तुम्हारे, जिसने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से हमेशा के लिए मिलाया, उसी को दो पल की मोहब्बत के लिए तरसा रहे हो। उसे किताब में कैद कर रखा है। मोहब्बत की निशानी को भी तो कभी मोहब्बत की तलब होती होगी ना। हर रोज नहीं, पर कभी तो भूले बिसरे निकाल कर प्यार से छू लो मुझे, ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में तो मोहब्बत नसीब हो मुझे। नींद खुली जब मेरी तो आंखें भीगी थी, दिल में दर्द उठा गोया बड़ा गुनाह कर दिया कोई। मेरी बस एक इल्तिजा है तुझसे, ये अपनी मैं माशुका से बात कर रहा हूँ, कि मेरी एक इल्तिजा है तुझसे कि जब मेरी याद आए और मैं न रहूँ तेरे आसपास, तो उस गुलाब को निकाल कर छू लिया कर, जिससे यकीनन उसे तो अच्छा लगेगा ही, पर शायद तुझे भी मेरी मौजूदगी का एहसास होने लगे। शुक्रिया। Hey guys! अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और इसके बाद में हमारी दो फेवरेट वीडियोस आ रही हैं, इनको देख के जरूर जाइएगा।